Hello, welcome. Today I am going to teach you how to make a perfect hotel coffee. So hotel mein usually aise kettles diye jaate hain aur aise kits diye jaate hain. To isse coffee ya tea hame jo chahiye wo bana sakte hain. To main aaj aapko batane wala hu ki how to make a perfect coffee or tea. So ध्यान से देना, मैं सभी स्टेप समझाऊंगा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कई साल हॉस्टल में रहा हूँ तो मैं कई बार ये बना के पिया हूँ, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है. तो सबसे पहला स्टेप है केटल को अच्छे से वॉश कर लेना. इस तरीके से केटल होता है और उसको वॉश कर लेना, क्योंकि काफ़ी लोग उसको यूज़ किए होते हैं. तो मैंने इसको वॉश कर लिया है. फिर नेक्स्ट स्टेप है इसमें पानी डालना है, ठीक है. जैसे यूजुअली हम पानी डाल के इसको हीट करेंगे. फिर इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, तो कि कप में किस ऑर्डर में क्या चीज़ डालते हैं, वही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है. तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ. तो मैं पानी गर्म कर लेता हूँ, फिर बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. 5 minutes later पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया है. अब नेक्स्ट स्टेप है एक किट. किट में किस तरीके से दूध का पाउडर होता है, टी बैग्स हो सकते हैं और कॉफ़ी के पाउचेस. तो टी या कॉफ़ी ये आपका डिसीजन है. बट और शुगर भी है यहाँ पे. तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कप. कप में हमेशा दूध का पाउडर सबसे पहला डालना कंपलसरी है, क्योंकि अगर दूध का पाउडर हम एंड में डालते हैं या केटल में डाल के गर्म करते हैं तो क्या होता है ना, बेसिकली दूध का पाउडर बराबर से घुलता नहीं है. अगर वही हम दूध का पाउडर कप में डालते हैं तो वो बहुत अच्छे से घुलता है. और दूसरी चीज़, कॉफ़ी भी सेम है. कॉफ़ी को भी दूध के पाउडर में पानी में नहीं डालना है, कप में डालना है, ठीक है. और हमेशा याद रखना, जितना मैक्सिमम एटलीस्ट दो सैशे दूध का पाउडर और व्हाट दे से क्रीमर का जो पाउडर है वो डालना ज़रूरी है, नहीं तो आपका कॉफ़ी अच्छा नहीं बनेगा. तो हमेशा ध्यान रखना. मुझे अभी मन है कॉफ़ी पीने का, तो मैं जो है अभी कॉफ़ी बनाने वाला हूँ, ठीक है. पानी गर्म हो जाएगा इस नेस्कैफे का, ये सैशे ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो मुझे स्ट्रांग पसंद है, तो मैं पूरा करने वाला हूँ कॉफ़ी. पानी एकदम सुपर हॉट है, ठीक है. मैं इसको स्लोली इसमें डालने वाला हूँ. इसका बस टेक्स्चर देखो, ये बन गया हमारा कॉफ़ी. नेक्स्ट स्टेप है, हाँ इसको स्टिर करो. कॉफ़ी का टेक्सचर और कलर देखिए, एकदम परफेक्ट. तो यही स्टेप्स है गाइस. तो बेसिकली जिस ऑर्डर में डालोगे, अभी देखोगे एक भी क्रीमर का जो पाउडर है आपको ऐसा अलग अलग नहीं दिखेगा, अच्छे से घुल चुका है. और ये काफ़ी स्ट्रांग बना है, वो सैशे बहुत ज़्यादा था, तो अच्छा हुआ मैंने कम किया थोड़ा कॉफ़ी. दिस इज़ हाउ यू मेक इट गाइस. आई विल टेस्ट इट एंड टेल यू हाउ इट इज़. इट शुड बी वेरी हॉट नाउ, सो आई विल शो यू हाउ इट इज़. टेस्ट भी तो करना पड़ेगा, थोड़ा और शक्कर चाहिए इसमें, शक्कर कम है, शक्कर को भी घोलना पड़ेगा. परफेक्ट, अभी अच्छा है. तो यही मेथड है गाइस. तो शायद मैंने काफ़ी लंबा वीडियो बना दिया, बोरिंग लग सकता है, बट होप यू लाइक द वीडियो. मेरा कैमरा यहाँ पे. होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. पता नहीं क्या गाइस, तो मैंने कॉफ़ी भी टी भी बना लिया. ये रहा मेरा कॉफ़ी, ये रहा मेरा टी. बताइए गाइस क्या करूँ, कैसा लग रहा है. कॉफ़ी से ज़्यादा अच्छा टी बनाता, तो टी मुझे बहुत अच्छा लगा. होप यू गाइस लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.